लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेक्टर 40 के श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी की ओर से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। सेक्टर 40 के सब्जी मंडी वाला ग्राउंड में 8 अक्टूबर को किए जा रहे इस भव्य आयोजन को लेकर आज यहां सेक्टर 40 के श्री सनातन धर्म मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजित करवाई गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र भाटिया ने बताया कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। इसी के साथ इस बार कमेटी की ओर से इको फ्रेंडली आतिशबाजियों का प्रयोग किया जा रहा है और ज्यादातर आतिशबाजी हवा में चलाई जाएगी ताकि वातावरण को नुकसान ना हो। सनातन धर्म दशहरा कमेटी जो अपना 22वां दशहरा बड़े धूमधाम से मना रही है, इसके लिए सारे जो अरेंजमेंट है वो पूरे कर लिए गए हैं। वो खास करके जो रावण इस बार बनाया गया है, रावण की जो गर्दन है वो रिवॉल्विंग रखी गई है, वो तीनों पासे घूमेंगी और उसके जो नाभि है, नाभि में से अमृत कुंड निकलेगा जब वो जिस समय उसको अग्नि भेंट किया जाएगा, उसके कानों में और उसकी आंखों में शोले, रेड शोले, जैसे आदमी को जब गुस्सा आता है तो रंग लाल होता है, तो उसी तरह तरीके से रेड शोले उसके कानों से, उसके मुख से निकलेंगे। ये खास करके अरेंजमेंट किया गया है और एक खास ये अरेंज किया गया है, इस बार जो अस्तबाजी है वो थोड़ी सी इको फ्रेंडली हमने रखी है, मिक्स टाइप मैक्सिमम हमने रखी है, ओपन टू स्काई ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले। और जो जितने बम हम जितनी पहले यूज़ करते थे इस बार हमने 50% उसमें डाले हैं और बाकी हमने जोर दिया है ओपन टू स्काई के लिए। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।